धन्यवाद, नमस्कार सभी दर्शकों को और स्वागत है फाइनल मैच का। फाइनल मैच में जो दोनों टीम पहुंच चुकी है, देखिए वर्सेस भुवनेश्वर, डिफेंडिंग कैप्टन टीम भुवनेश्वर कुमार की खिलाड़ी है इनके पास। और 16 पकड़ की बात किया जाए तो हेलो वो भी बहुत जबरदस्त टीम है। हेलो कहा तमें खेल देख रख ना जमा बाउंड्री के बाहर। फोटो स्कैन कर रख जितनेट्सअप नहीं व्हाट्सअप नहीं हाँ व्हाट्सअप वीडियो कॉलिंग कर आयुष के बल्ले से ये चौका निकालता हुआ क्या खूबसूरत शॉट था। मोर मैगे मारी में गड़े पक छोड़ी हुई जदी हो बेटा रन का तो सोदी रे वाला तो मना कर तू इज के तो मोई के हां हां लगे कोई देड़ से फिर माटा भले दिने के जान छ। और ये गुड लेंथ पर गेंद थी मिड विकेट की तरह प्रेस किया बल्लेबाजों ने। चौके के बाद एक सिंगल छुराया और सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ 28 एक विकेट नुकसान पर 16 कट ऑफ। ये बहुत बढ़िया लाइन है तीनों स्टंप का बीच में ज्योतिरंजन के लिए कोई भी चांस नहीं रन बनाने के लिए। बहुत ही जबरदस्त शुरुआत ना। अरे वाह भाई वाह क्या गेंद था ये। पढ़ने के बाद थोड़ा सा बाहर की तरफ स्विंग देखने को मिला और बीट हुए बल्लेबाज ज्योतिरंजन। छोटी गेंद ଦାଇନ ଦିଏ ନା ଗାଡ଼ିରେ 50 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଇଜ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। କାକର ଫ୍ୟାମିଲି ଦେରି ଆଉ ଭାଇ ଆଜି ଆଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉ ସଳା କାଟି ଯାଉ ନିଜ ଆର ପହିଲି ଗେମ୍ ବୋଲର ସହଦେବ ଦିମାଗ ଅଛି ତାର ଖେଳିବାର ଆପଣି ଗୁଡ଼ା କା तीसरा ओवर और सामने बल्लेबाज आयुष आवे तो बढ़िया गेंद था बिल्कुल फुल लेंथ गेंद था। और यहां पे डिफेंस करते हुए आयुष कोई रन नहीं कोई खेती नहीं गाड़ियों। और ये जोरदार अपील लेकिन अंपायर का ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं। मैं सीट के बुकिंग कर रहा हूं है ना सीट तो मुझे नहीं लगा तीन का होटल कौन आने वो तीन का ये बिक्री हो जी मैं
लोक प्रबल है लोक आज दुनिया है अफिशियल लोक है जितनी लोक अधा सेकेंड सेकेंड हाफ अधिका है हाँ निबन जो टोटल ग्राउंड रो मैंने सब जो बाउंड्री पाखे जो जगुन तक तो देखा वाइट खाली से उठे और ये देखिए बहुत आगे निकल चुके अच्छा हो ठीक है चुराने के लिए कोशिश तान मिल में यहाँ पे गड़बड़ भैया ये बिल्कुल अच्छा हो ठीक है ध्यान रखना चाहिए और क्योंकि ये तो खतरा हो सकता था बाल बाल बचे हैं आयुष और ये देखिए दूसरी आंख पे है बिल्कुल कौन नहीं की थी ज्योति रंजन ने लेकिन बहुत आगे निकल चुके थे ये बढ़िया गेंद था शॉट बिल्कुल बल्ले पे लगा था पर सीधे फील्डर के हाथ में तेरह रन बनाकर खेलते हुए आयुष शॉर्ट गेंद था और फायदा ने उठाया बल्लेबाज आयुष ने कोशिश तो था मिड ऑन फील्डर को बीट करने का पर सीधे मिड ऑन फील्डर के हाथ में गेंद अच्छा गेंदबाजी देखने को मिल रहा है गुड्डू खराब गेंद ऑस्टम का काफी बाहर वाइट इस इनिंग का ये दूसरा वाइट अफ्रीका एक रन के साथ स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ 36 एक के नुकसान पर कटा क्या उठे दिले चार छक्का हां थोड़ा गाड़ो ना पांच में सात में अरे भैया ये क्या सा लगाया ओ हो गेंद सीधा दर्शक दिखा में खेलन छेनो आट के देता है गुपचुप ये काचो है ना जो भी दर्शक गैलरी का बाहर है तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि गेंद जाके अगर लगेगी तो आपको तो जरूर चोट पहुंच पाना है ये बहुत बढ़िया ऑफर है जबरदस्त ये ग्राउंड है अलियाबाद का असल देखिए खर्चा खर्च भरा हुआ है मुंह ले पारी मत कहू छह ओवर के बाद दिया नहीं एक उगे नुकसान पर सोलह पटा बॉलर नेम प्लीज हेलो सर ये आपने कोटा का पहले ओवर सातवां ओवर का पहले गेंद ये लीजिए छोटी गेंदार फूल किया एक बाउंस दो बाउंस चौका लिख लीजिए बल्लेबाजों में खातों में स्वागत करते हुए हैं आलोका
ये बिल्कुल बढ़िया सोच है। बल्लेबाजों से पहली गेंद को चौका लगाया, फिर हल्के हाथों से प्रेस करते हुए ये अनुभव खिलाड़ी है। और ये गेंद देखिए क्या जबरदस्त, ये एक कैरम बॉल था, पड़ने के बाद अंदर की तरह बस स्विंग देखने को मिला। उसे एक बार आगे निकल चुकी है सिंगल के लिए, लेकिन नॉट स्ट्राइक ऑन पर आयुष ने मना किया। बिल्कुल ये बढ़िया सोच है। और ये बढ़िया गेंद और रन आउट के चांस, ये खतरा तो हो सकता था। डेंजर यहां से भाग रहे थे बल्लेबाज ज्योति रंजन, अगर ये डायरेक्ट होता तो शायद खतरे का घाटी भी हो सकता था। डीआरएस का यहाँ पे संभाल रखा है। अलग हो यार सामने वाली छोर से सामने आयुष, पीछे तो फील्डर भाग रहा है लेकिन सिर्फ गेंद को उठाने के लिए, भैया जाइए और गेंद को उठा के लाइए। और इसी के साथ 50 रन पूरा हुआ।